हेलो स्टूडेंट, सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड बिफोर, आपका जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है उसे मैं एक वीडियो में पूरा कंक्लूड करूंगी. बट बिफोर दैट, दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज कंडक्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन. दैट मींस क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन के जो नोट्स होते हैं उसमें मिस आउट हो जाता है, कि आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. एंड सम थिंग्स आर नॉट ओनली बिहेवियरल, और इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू बिहेव, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट योर आइडियाज और हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू इनटेक द आइडियाज फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ. तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं. नंबर वन पॉइंट इज कीप इन माइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप. अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल ग्रुप को मैनेज करना आसान है. चार लोग हैं, पांच लोग हैं, यू कैन लाइक यू हैव मच लेस रेजिस्टेंस व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप इज लेस. बट जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको फेस करना हो सकता है. प्लस सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, ऑब्वियसली सपोर्ट भी होगा, लेकिन जब समर्थन रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती. ऑब्वियसली इफ मेजोरिटी इज इन योर साइड, यू आर विनिंग, सो यू डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट, यू डोंट फील द टेंशन, यू डोंट फील द प्रेशर टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज. द प्रेशर इज वेन पीपल आर अगेंस्ट यू. फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम एंड यू आर द ओनली वन सपोर्टिंग द मोशन, और यू आर द ओनली वन अगेंस्ट द मोशन. प्रेशर इज वेन द नंबर ऑफ पीपल अगेंस्ट और इन योर फेवर आर लाइक लेस, टू और थ्री पीपल आर सपोर्टिंग यू, अदर देन दैट द रेस्ट ऑफ ग्रुप इज ऑन द ऑपोजिशन ऑफ योर आइडिया. तो इस वजह से क्या होता है, जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतना ज्यादा ग्रुप का जो डायनेमिक है खराब होने के चांसेस रहते हैं. सो नंबर ऑफ पीपल अगर कंट्रोलेबल अमाउंट में है तो यू कैन जस्ट प्रेजेंट योर आइडियाज एंड कीप इन माइंड दैट द टाइमिंग इज केप्ट अपॉन एंड ऑल द आइडियाज आर फ्लोइंग थ्रू आउट द डिस्कशन एंड नोबडी इज गेटिंग अग्रेसिव एंड नोबडी इज गेटिंग इमोशनल एंड ऑल दोज माइनर थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. बट द नंबर इफ इट इज इंक्रीजिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन आफ्टर द गेटिंग सिलेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो द नंबर ऑफ पीपल नोइंग अबाउट दोज टॉपिक्स दैट यू आर डिस्कसिंग, द मोर आइडियाज यू विल गेट. बट इफ यू कांट हैंडल इट टूगेदर, इट इज मच बेटर टू हैंडल अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. लाइक इफ इट इज इन टू योर हैंड्स टू कंट्रोल द नंबर ऑफ पीपल, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल दैट. अगर आपके हाथ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कंट्रोल है वो सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे आप पे डिसीजन नहीं करता है कि कितने लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे, 12 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं. सो द थिंग इज कि नंबर मैटर्स ऑब्वियसली. जितने लार्ज नंबर रहेगा, आपके पास टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड ही रहता है. 20 मिनट्स का अगर डिस्कशन है पर मिनट वन स्टूडेंट, तो अगर 1 मिनट में आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, दैट मीन्स सम ऑफ द अदर पीपल विल लूज टाइम एंड दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इन टाइम एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स टुगेदर सो दैट द डिस्कशन कैन फ्लो एंड एवरी वन इज एबल टू पार्टिसिपेट. सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट. वाई इज इट नेसेसरी? ऑब्वियसली आप जब ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि कोई पर्सन जो है वो अग्रेसिव है, तो आप उनके सामने जब अपोज करेंगे तो फैक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर पोलाइटली अपना फैक्ट्स रखिए उनके सामने या ओपिनियन रखिए उनके सामने. सो जितना ज्यादा आप पोलाइट रहेंगे उतना लेस अग्रेसिव वो होंगे. अगर ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं और आप भी अग्रेसिव उनके साथ हो गए, तो जाहिर सी बात है द डिस्कशन वुड गो ऑन टू द रॉन्ग टर्न. सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट इस सेंस में भी जरूरी है. दूसरा सेंस, हो सकता है द पीपल हु आर हैविंग अ डिस्कशन वो खुद के ही माइंड में ये मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि डिस्कशन जो है वो फॉर द इमोशन में जाना है उन्हें या नेगेटिव अगेंस्ट द इमोशन में जाना है. सो इफ यू आर नॉट एबल टू गेन द इंटरेस्ट, वेदर दे आर सपोर्टिंग यू और वेदर दे आर इन ऑपोजिशन ऑफ यू, तो डिस्कशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो ट्राई टू मेंटेन दैट सिंप्लिसिटी दैट वेदर यू आर अगेंस्ट द इमोशन और फॉर द इमोशन. तो अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, यू डज नॉट नीड टू नो एवरी वन. ऐसा नहीं कि आप डिस्कशन के पहले सबसे जाके इंटरव्यू लें, आपको बस ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो पर्सन जो है वो शाय है, ठीक है, या जानबूझ के डिस्कशन में नहीं बोल रहा है. इट इज ओनली अपॉन द बिहेवियर, ठीक है. आप बस उसके बिहेवियर को देखिए और उसको ऑब्जर्व करिए और जानिए कि किस तरह का आपका उसका इंटरेस्ट है. वो अग्रेसिव होना चाहता है जानबूझकर, वो
जानबूझ के डोमिनेट कर रहा है, वो जानबूझ के शांत रहा हुआ है पूरे डिस्कशन के थ्रू, ये सब चीजें जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. बिकॉज इफ समबडी इज क्वाइट ऑन देयर ओन, दे डोंट वांट टू डिस्कस एंड यू आस्क देम डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट विल एम्बैरस देम एंड दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट फॉर यू और फॉर हर और हिम. तो इट इज बेटर दैट यू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट दैट द पीपल हु आर विद यू वांट टू हैव अ डिस्कशन एंड नॉट समथिंग एल्स. नंबर थ्री, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्कशन. मतलब कई बार ऐसा होता है एंड इट इज नेचुरल, जब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पॉइंट निकल के आएगा जिसकी वजह से डिस्कशन का जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट एजुकेशन सिस्टम और स्पेसिफिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो मेनी पीपल ऑब्वियसली विल गिव एग्जाम्पल ऑफ द अदर एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जापानीज एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम. सो वॉट यू कैन डू इज यू ऑब्वियसली दीज डाटा आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिस्कशन, बट इफ इट कीप्स ऑन गोइंग यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम, दैट मीन्स द डिस्कशन अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. सो इफ यू गोइंग टू कंपेयर, इफ यू रेगुलरली गोइंग टू कंपेयर दिस एजुकेशन सिस्टम टू द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, इट इज ऑब्वियसली नॉट द ओनली फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग डूइंग्स इन द सिस्टम. जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमारा सिस्टम जो है वो किसी और का सिस्टम अडॉप्ट कर ले. मान लीजिए इंडिया, ऑल ओवर इंडिया अगर हम जो है अमेरिकन सिस्टम पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. तो किस तरह से जो है हम अपना सिस्टम अपने हिसाब से संभाले, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. सो इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद अदर एजुकेशन सिस्टम्स, टेक आउट द बेस्ट वन. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, वाई यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट देम एंड वॉट एग्जैक्टली डू यू प्रिडिक्ट टू वॉट विल हैपन इफ यू अडॉप्ट दैट सिस्टम इन आर एजुकेशन सिस्टम, तो वो क्या होगा, वो क्या बेटर एस्पेक्ट हमारे सामने आएगा, उस पर डिस्कशन पे ज्यादा ध्यान देना है. सो इफ यू फील लाइक द डायरेक्शन ऑफ द डिस्कशन इज गोइंग इन द रॉन्ग टर्न, टेक इट बैक टू द राइट वन. फोर्थ वन, डोंट जज फेलो पार्टिसिपेंट्स. कभी भी किसी भी फेलो पार्टिसिपेंट को आपको जज नहीं करना है. इफ ही और शी डज नॉट लाइक योर आइडियाज, डज नॉट मीन दैट दे आर टेररिस्ट और समथिंग. हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वही चीज के लिए डिस्कशन कराई जा रही है. इफ यू आर गोइंग टू जज पीपल, दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद दोज पीपल, आप उनकी बात ही नहीं सुनेंगे. बिकॉज यू आर गोइंग टू जज दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड और सम थिंग्स दैट दे बिलीव ऑन. तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि हर कोई इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट अपब्रिंगिंग, हु हैव डिफरेंट कल्चर. सो यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम समवन बिलीविंग इन समथिंग बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड. सो जज करना तो बिल्कुल नहीं बनता है. हाँ, ये चीज है दैट यू आर एस्टॉनिश्ड और शॉक्ड अबाउट लिसनिंग समथिंग, तो यू कैन शो योर सरप्राइज बट नॉट इन द सेंस दैट यू आर जजिंग दैट पर्सन, दैट यू हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम समवन, दैट इज ओके, बट नॉट इन अ वे टू एग्जैजरेट इट. कोई एग्जैजरेट करने की, बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो अभी कैसा सुना भी नहीं है किसी को ऐसा बोलते हुए. इस तरह का आपको नहीं बात करना है. इफ दे आर प्रेजेंटिंग देयर ओन आइडिया, वेदर एवरी वन इज अगेंस्ट देम डज नॉट मैटर, देयर आइडियाज आर इम्पॉर्टेंट जस्ट एज मच एज योर आइडिया. फिफ्थ वन, कीप ट्रैक ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको पहले भी बताया समराइजेशन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत जरूरी है, तो ऑलवेज नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, जो आपके कंक्लूजन में हेल्प करे. दोज आर द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. जो भी पॉइंट्स बोले जा रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट दोज पॉइंट हु विल हेल्प यू, दोज पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू इन द कंक्लूजन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और उनको आपको नोट डाउन करके जरूर रखना है ताकि आप कंक्लूजन कर सके उनके साथ मिलकर. सिक्स्थ वन, ट्राई टू नेगोशिएट विद दोज पीपल हु आर रिजिड. ऐसा नहीं, ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई जो है या तो फ्लूडिटी मेंटेन करके रखे, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखे. कोई ना कोई तो रिजिड जरूर होता है ग्रुप में. दे विल नॉट मूव ऑन फ्रॉम देयर पॉइंट एट एनी कॉस्ट. दे विल प्रोवाइड रॉन्ग फैक्ट समटाइम्स, दे डू दैट. ऐसा होता है कि लोग जो है अपनी रिजिडिटी दिखाने के लिए वो रॉन्ग पॉइंट्स आपके सामने रख देंगे, कुछ भी बोल देते हैं. तो उस सिचुएशन में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा. ठीक है,
कॉम्प्रोमाइज नहीं नेगोशिएट करना पड़ेगा. सी कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स दैट यू आर गिविंग वे टू द रॉन्ग थिंग्स, और ये गलत है. नेगोशिएट करिए, दैट मीन्स पोलाइटली उन्हें समझाने की कोशिश करिए दैट व्हाट दे आर थिंकिंग और व्हाट दे आर बिलीविंग इज नॉट द राइट प्रोस्पेक्ट. यू नीड टू लुक एट द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सेम थिंग. जो आपका एक प्रॉब्लम है उसके अलग अलग परसेप्शन पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट इग्नोर वर परसेप्शन जस्ट बिकॉज यू डोंट फील दैट यू हैव टू गो थ्रू थ्रू आउट योर लाइफ. लास्ट वन, डिस्कस ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इन द डिटेल. मतलब जो भी चीजें आप बता रहे हैं सिर्फ पॉइंट नहीं बोलना है, आपको डिटेल में उसे समझाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम हम जो है टॉपिक लेते हैं, दैट इज योर एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो पीपल स्टूडेंट्स आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपोर्ट कार्ड और द ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट दे गेट फ्रॉम द सब्जेक्ट. तो हर सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा मार्क्स ला रहा है, एवरेज मार्क्स ला रहा है, सो ही इज अ गुड स्टूडेंट. डिपेंडिंग ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन और डिपेंडिंग ऑन एनी एक्शन दैट आर बींग परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट, उसके बेसिस पे उसे ज्यादा जज नहीं किया जाता है, अनलेस एंड अंटिल वो कुछ एक्सट्रीम करता है. अगर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर रहा है तब जाके उसके पेरेंट्स से बात की जाती है. छोटी मोटी चीजें, इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बच्चे जो 99% लाते हैं, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, इफ दे कमिट सम मिस्टेक दे आर फॉरगिवन बिकॉज पीपल थिंक दैट अरे ये तो अच्छा बच्चा है, इसको पक्का किसी ने फंसाया होगा, इसने अपने से नहीं करना है गलत चीज. तो यू हैव टू डिस्कस दिस इन डिटेल. ठीक है, इस तरह से डिटेल में आपको समझाना है कि ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. सिर्फ पॉइंट बोल देने से नहीं होगा काफी, बिकॉज समटाइम्स इट इज टेकन इन अ नेगेटिव वे और समटाइम्स पीपल माइट गेट कंफ्यूज. तो अगर कंफ्यूज हो जाते हैं या उसे नेगेटिव वे में ले रहे हैं, तो या तो डिस्कशन गलत डायरेक्शन में चल जाएगा या फिर लोग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे आपके पॉइंट को. तो इट इज बेटर यट टू डिटेल इन डिटेल एक्सप्लेन करने का. इन डिटेल एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा स्पीच दे देना है उस पर. एटलीस्ट डिफाइन दैट स्टेटमेंट इन टू एटलीस्ट 2 to 3 lines में, मैक्सिमम 1 paragraph, नॉट मोर देन दैट. So I hope these points are clear. And in the next video, I'm going to conclude all the important points that are related to group discussion so that it is helpful for you. And in a very short and concise manner, you will be able to prepare if you are going for a group discussion. Thank you so much.